तुम्हें मालूम भी है काकुल का हाल क्या है? तो फिर विनोद और देविका की एंगेजमेंट तोड़ने की क्या जरूरत थी? झूठी सोच वाले लोगों के घर में जाने से बच गए। काकुल को वंशिकर सम्मान के बारे में पता चल गया। अरे मैं क्यों डरूं उससे? वो आई है तुम्हारे और मेरे बीच में और मैं डरूं उससे? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चोरी छिपे रिश्ता रखने में शायद उतना डर नहीं लगता, लेकिन उसकी पत्नी का सामना करने की हिम्मत तुम जैसी लड़कियों में नहीं होती। भाभी, आपको वंशिका के नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? अब आप इतना बताइए कि कब और कहां मिलना है। सम्मान बाबू धोखा दे रहे हैं काकुल बिटिया को। हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमारी काकुल को उसने पसंद क्या आया। आप ही बताइए क्या करें। शूट हिम, शूट हिम, शूट हिम। सुजीत बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? गोली मार दो उसे। लेकिन सुजीत बाबू, हमने कहा शूट हिम। सुजीत बाबू, गोली मारना नाना के लिए सबसे आसान काम है, मगर सम्मान बाबू को गोली मार के क्या करोगे आप? सबसे ज्यादा दुख तो काकुल बिटिया को होगा, मर जाएगी वो दुख से। देखिए सुजीत बाबू, हम अपने जीते जी अपनी बिटिया को विधवा नहीं कर सकते। देखिए सुजीत बाबू, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। ये मामला जल्दबाजी में सलटाने वाला नहीं है। सुजीत बाबू, सुजीत बाबू। हाँ सुन रहे नाना। फिर क्या कर रहे हैं बताइए। जानता हूं सुजीत बाबू, मगर कोई अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है, और हम वो डाली ही काट दे तो काकुल बिटिया का घोंसला टूट जाएगा। ये भी समझता हूँ कि हम इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करना जरूरी है, मगर अच्छी तरह सोच समझने के बाद। समझे सुजीत बाबू? हम फोन करते हैं नाना। सुनिए, मिसेस सिंह के साथ शॉपिंग गई थी मैं, आपके लिए एक जैकेट लिया है मैंने। देखो तो आपको होता है या नहीं। अरे क्या कर रही हो यार? कहाँ कुछ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या बात है, आप इतने खराब मूड में क्यों है? तुम्हें तो फुर्सत नहीं है शॉपिंग से, तुम्हें मालूम भी है काकुल का हाल क्या है, बहुत दुखी है वो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? काकुल ने मुझे खुद कहा है कि वो बहुत खुश है। झूठ बोल रही है वो। अरे काकुल की आवाज से मुझे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है सच। ये सच नहीं है, अगर ऐसा होता तो इस बात का गलतफहमी नहीं होता तुम्हें कभी भी, और ना तुम्हारी बात मान के हम अंधेरे में रहते। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? अरे बोलिए ना। कुछ नहीं। सुनिए तुम, सुनिए। सम्मान और काकुल की शादी से कोई भी खुश नहीं है बुआ। उस घर में हमेशा से सब मुझे ही प्यार करते थे, और आज भी वो मुझे ही पसंद करते हैं। और अब तो पापा ने भी कह दिया है कि अगर सम्मान काकुल को डिवोर्स दे देता है तो वो हमारी शादी करा देंगे। अगर ऐसी ही बात थी, अगर ये शादी टूट सकती थी, अगर सम्मान से तुम्हारा रिश्ता हो सकता था, तो फिर विनोद और देविका की एंगेजमेंट तोड़ने की क्या जरूरत थी? अब ये बात तो आपको पापा से ही पूछिए तो बेहतर होगा। लेकिन वजह तो कहीं ना कहीं तुम ही हो ना। ठीक कह रही हैं आप, मैं मानती हूं पापा ने गलती की, गुस्से में वो कुछ भी कर बैठते हैं, यू नो हिम ना। मगर आप फिक्र मत करिए, पास्ट में जितनी गलतियां हुई हैं ना, मैं सब सुधार दूंगी। जितनी बिगड़ी बातें हैं मैं सब बना दूंगी बुआ, डोंट वरी। अरे आप ये क्यों भूलती हैं कि देविका मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और विनोद
मेरा भाई है. So don't worry, everything is going to be okay. Now I have to go. You take care. Bye. सारी गलती तुम्हारी है. तुम्हें भाभी को वंशिका का नंबर देना ही नहीं चाहिए था. ये क्या मृतिका, तुम्हारी सुई अब तक वहीं अटकी हुई है. मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं भाभी को क्या कहकर मना करता, और तुम्हें क्या लगता है भाभी मेरी इस बात पर विश्वास कर लेती कि हमें से किसी के पास वंशिका का नंबर ही नहीं है. हाउ स्टूपिड मृतिका. वेरी गुड, तुम बड़े होने का फायदा उठाओ और स्टूपिड मुझे बोलो. ओके बाबा, आई एम सॉरी. ओके, अच्छा ये बताओ, तुम भाभी को समझाने गई थी ना, क्या हुआ? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता मेरी किसी भी बात का भाभी पर कोई असर हुआ होगा. और वैसे भी वो भी कुछ गलत नहीं है. अगर किसी औरत को पता चले कि उसका हस्बैंड किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो क्या वो उस औरत से मिलना नहीं चाहेगी? ऑफ कोर्स मिलना चाहेगी. और भाभी, उन्होंने तो अब तक वंशिका को फोन भी कर लिया होगा. जिस तरह से तुम हेल्पलेस फील कर रही हो ना, मेरी भी यही हालत है. जब भाभी ने मुझसे नंबर मांगा तो मैं तो इतना नर्वस हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया. काश मैंने गलत नंबर दे दिया होता, कम से कम ये बात कुछ समय के लिए टल तो जाती ना. अब क्या करें? आई प्रे कि वंशिका घर पे मिले ही ना, और भाभी की उससे बात ही ना हो सके. जिसे देखो इस काकुल के लिए मारे जा रहा है. पर तुम क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो काकुल के? वो तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई दूसरा भी उसे पसंद ना करे, यही चाहती हो तुम? पापा आप समझ नहीं रहे. बेटा मैं सब समझ रहा हूँ. ऐसा है, अपना दिमाग कहीं और लगाने की कोशिश करो. 24 घंटे काकुल की बुराई करते, उसकी शिकायतें करते थकती नहीं हो क्या तुम? शौक नहीं है मुझे क्योंकि किसकी बुराई करने का. अरे तो फिर और क्या कहूँ मैं इसे? जब से काकुल इस घर में आई है तुम्हारा दिमाग एक ही ट्रैक पर चल रहा है. एक बार भी ढंग से बात करने की कोशिश की है क्या तुमने उससे? हम भी इस शादी से खुश नहीं है, दुख है हमें, गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें? काकुल से दुश्मनी मोल लेकर कुछ हासिल तो नहीं होगा ना हमें? सिर्फ उसी की गलती तो नहीं है ना? सम्मान ने भी नादानी की है और उसी की नादानी की सजा भुगत रहा हूं मैं. असर तो मेरी जिंदगी पर भी हुआ है पापा, पर इस बारे में कोई नहीं सोचता. तुम आओ बैठो, बैठो प्लीज. देखो बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे दुख का, तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है. मुझे है बेटा, लेकिन देविका तुम इतना क्यों नहीं सोचती कि तुम छोटी सोच वाले लोगों के घर में जाने से बच गई? सम्मान ने वंशिका से शादी नहीं की तो सक्सेना ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया, और फिर वो चुप रहा. हाँ, वो ये भी तो कह सकता था कि इसमें देविका की क्या गलती है. एनीवेज बेटा, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम और तुम्हारी माँ चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, काकुल इस घर से हार मानकर जाने वालों में से नहीं. इनफैक्ट शी इज फास्टिंग. इस घर की भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए उसने व्रत रखा है, मंदिर जाती है, प्रार्थना करती है. ये जो भी परेशानियां इस घर में हो रही हैं उसके लिए खुद को दोषी मानती है बेचारी. ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कुछ जानते ही नहीं. पूजा के बहाने वंशिका से मिलने जा रही है काकुल. क्या कहा तुमने? काकुल वंशिका से मिलने? यस पापा, वंशिका से मिलने जा रही है काकुल. क्यों? रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में. मैं जो भी कहती हूँ ना, साफ साफ कहती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा. काकुल की तरह ड्रामा नहीं करना आता मुझे. क्या जरूरत थी देविका को बताने की? हाँ, कि मैं तुम्हारे डैड से मिला था. Why? Why? अरे उसने पापा को बता दिया तो. Come on, सम्मान. I mean, एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है ना कि तुम्हारे और पापा के बीच क्या बात हुई है. तो how does it matter? तुम नहीं समझोगी वंशिका. I have a strong feeling. तुम्हारे और अंकल के लिए पापा इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है.
काकुल के आने से पहले हम दोनों की फैमिलीज में जिस तरह के रिलेशंस थे, मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं। अब ये एटीट्यूड रहेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग सम्मान। जब यहाँ तक हिम्मत दिखाई है तो आगे भी हिम्मत से ही काम लेना होगा ना। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। आई होप सो। देखो मन्नत, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? शांति से काम लो, जो है उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन अम्मा जो लेकिन क्या, नाती पोतों को गोद में खिलाने की उम्र हो गई है और बच्चों की बातों में आ जाते हो। अरे अपने दिमाग से सोचो, समझदार हो, समझदारी से काम लो। घर के कर्ता धर्ता हो ना, वो क्या कहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, तो फिर ऐसे ही पेश आओ ना। अरे पर अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इतना खफा हो रही हैं? अरे तो फिर किस पे खफा? तुम बच्चों की तरह से हरकतें करते हो, पूछते हो कि क्यों मुझ पर खफा हो रहे हो। मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे चुप करा देते हो, हैं? और बच्चों की बातें सीरियसली ले लेते हो। और किसकी, वो भी वो देवी का जो सरपीनी है, उस बेचारी पे तो मुझे बहुत तरस आता है। अगर तुम लोगों ने उसकी शादी टाइम पे कर दी होती ना, तो बेचारी का ये हाल नहीं होता। पुअर थिंग, आई पिटी हर। हाँ रीना, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुन, तेरा मिस्ड कॉल देखा था, वो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। और बताओ क्या कर रही है? अच्छा सुन, किसी खास काम से फोन किया था क्या? हाँ खास तो है रीना, हम तुम्हारे लिए दुखी हो रहे थे ना, तुम में हिम्मत बंधा रहे थे। अब तो ऐसे लगता है जैसे हम दोनों सहेलियों की तकदीर ऊपर वाले ने एक ही स्याही से लिखी है। काकुल तुम क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीना तुम्हें याद है हमने तुमसे पुनीत और नताशा के बारे में बात की थी? अब हमारी जिंदगी में भी वही प्रॉब्लम आ गई है, बस नाम बदल गया है, दर्द वही है। कि किसकी बात कर रही हो तुम? हम सम्मान की बात कर रहे हैं। सम्मान की जिंदगी में कोई वंशिका है, हमारे आने से पहले भी थी और अब भी है। तुम्हें किसने बताया? हो सकता है मतलब जो तुम कह रही हो वो सच है क्या? काकुल ये धोखा भी तो हो सकता है ना? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं रीना, मन को समझा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। काकुल तुम रीना, हम जल्दी में हैं, तुमसे बाद में बात करते हैं, हमें किसी से मिलने जाना है। अच्छा लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे फोन जरूर करोगी। हाँ हाँ फोन करेंगे। ओके टेक केयर। हाँ बाय। हाय। अरे आप, अच्छा वो आप आ गए। पता है अभी मेरी काकुल से बात हुई। हाउ इज शी? पुनीत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? ना जाने कैसे काकुल को वंशिका सम्मान के बारे में पता चल गया। ओह गॉड। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि नताशा ही वंशिका है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है रीना। काकुल क्या, किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा सदमा यही है कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ है। वंशिका या नताशा कोई फर्क नहीं पड़ता है। काकुल पे क्या बीत रही होगी यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि जब काकुल की फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा। ओम शंकर और सुजीत को जानती हो ना तुम? अगर काकुल पर कोई भी मुसीबत आई तो वो लोग सम्मान का जीना मुश्किल कर देंगे। अरे सम्मान ही क्यों, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो लोग। हे भगवान अब क्या होगा। कादमा जी, कौन परेशानी में डूबे हुए हैं? नहीं नहीं बाबू साहब, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए
हमसे छुपाने का कोशिश बेकार है। और फिर हिम्मत कहिएगा कि आप बिना बताए चले गए थे तो हम टेंशन आ गए। हमारी जमीन पे हमको कोई छू नहीं सकता है, आप ही जानते हैं। तो आप हमको बताइए कि आपको कौन सा परेशानी है, क्या बात है, बोलिए। नहीं बाबू साहब, कुछ भी नहीं है। कातर सा बेटा, कि दिमाग जी को क्या हो गया है, किस चिंता में, कोई आइडिया है? नहीं पिताजी, मुझे तो कुछ पता नहीं। दामाद जी, अब आप बता ही दीजिए। देखिए, इतना सस्पेंस मत रखिए, हमको अब और बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं बाबू साहब, सस्पेंस का तो कोई बात ही नहीं है। वो तो वो जो नौटंकी चल रहा है काकुल के परिवार में, बस उसी का परेशानी है थोड़ा। क्या मतलब है आपका, काकुल अपने ससुराल में खुश नहीं है? नहीं पिताजी, वो तो बहुत खुश है, मैंने खुद उससे आज बात की। हम भी तो आज बात किए हैं उससे, उसकी आवाज से तो नहीं लगा कि वो खुश नहीं है। अरे देखिए, हर माँ बाप यही सोचता है कि उसकी बेटी उसी के घर में सुखी रहेगी, दूसरे घर में रहेगी नहीं। तो कहा हम बेटी का ब्याह ना करें? बाबू साहब आप कहें तो थोड़े दिन के लिए त्रिषा को वहां भेज दें, मतलब रह के आ जाएगी ना। हमको आपका ख्याल है। और देखिए, हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। काकुल समझदार है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। इसीलिए हम भी काकुल के जिंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। और हम आपसे भी कहेंगे कि काकुल का चिंता और परेशानी छोड़ दीजिए। पर काकुल समझदार है, सब ठीक कर लेगी। और घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये बात बात पे पिस्तौल की नली से धुआं निकालने वाले हमारे दामाद जी बड़े नरम दिल के हैं बेटा, हैं? साली की चिंता में घुले जा रहे हैं। जब अपना बेटी ब्याहिएगा तो क्या कीजिएगा दामाद जी, हैं? हम आते हैं फ्रेश होके, संभालो इनको। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मगर उसे कैसे हासिल करना है ये तुम्हें नहीं पता। बट डोंट वरी, मुझे सब पता है। तुम्हें पता है सम्मान, जब तुम्हारी शादी जबरदस्ती काकुल से हो गई थी ना, तो मेरे दिल पे क्या बीती थी मेरे अलावा कोई नहीं जानता। जो दर्द जो तकलीफ मैंने सही है ना, कैसे उभरी हूँ मैं ही जानती हूँ। सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हारे पास आने की उम्मीद ने मुझे जिंदा रखा है सम्मान। और देखो आज हम साथ हैं, और अब तो पापा का सपोर्ट भी है हमें, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तो तुम बस उस जबरदस्ती सलाई हुई बीवी को तलाक दे दो, जस्ट डिवोर्स हर। एनीवे, विश मी लक, मैं काकुल से मिलने जा रही हूँ। व्हाट? हाँ, चैलेंज किया था ना उसने मुझे, चैलेंज का जवाब देने जा रही हूँ। One minute. Are you serious? मतलब तुम सच में उससे मिलने जा रही हो? Of course I'm serious, सम्मान। No. Not a good idea. Please मत मिलो तुम उससे। ऐसी सारे हालात हमारे कंट्रोल में हैं इस वक्त। तुम अगर उससे मिलोगी ना तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। सम्मान, कभी ना कभी तो ये होना ही है ना कि हम दोनों आमने सामने आ जाए, तो फिर आज क्यों नहीं? I just wanna put an end to this game. अंशिका, तुम मेरी बात सुनो, please, तुम मेरी बात सुनो, just listen to me.
भरोसा है मुझ पे? Do you trust me? हाँ? Then just let me go. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? दो चार बातें सुना देगी मुझे? मैं सुन लूंगी. मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ. मैंने अपने आप को इतना कंडीशन कर लिया है कि वो मुझसे कुछ भी कहे मैं सह लूंगी. ओके ओके यार, तुम मिल लेना उससे, बाद में मिल लेना प्लीज. मुझे आज भी उसकी वो बात याद है. क्या कहा था उसने मुझसे? मैं सम्मान की वाइफ बोल रही हूँ. आप डरती हैं मुझसे मिलने से? मैं डरती हूँ? मैं डरती हूँ उससे? हाँ, अरे मैं क्यों डरूँ उससे? वो आई है तुम्हारे और मेरे बीच में और मैं डरूँ उससे? नो सम्मान, आज तो मुझे उससे मिलना ही है. अब बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की. आई हैव टू मीट हर टुडे. ओके ओके, तुम्हें मिलना है मिल लेना, बट प्लीज अभी नहीं, बाद में मिल लेना. अभी नहीं, बाद में नहीं, मैं अभी जा रही हूँ. आई हैव टू लीव नाउ. रंशिका क्या बोल रही हो तुम? जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन. मैं सब संभाल लूंगी. ओके बाय. वंशिका, वंशिका प्लीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड मेरी बात. क्यों इससे? He's just a गुंडा यार. वो मुझसे नहीं डरते, वो अपने आप से डरते हैं. I don't talk to people like you. तुमसे अब सिर्फ पुलिस बात करेगी, okay? इसकी अकल तभी ठिकाने आएगी. तो चेक कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब चेक तो अभी ही मिल जाएगा आपको, देखिए. अरे ड्राइवर, अरे तेज चलाओ, मुझे मंदिर टाइम पर पहुंचना है. आप यहाँ?